أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ये बड़े मजे की आयत है इसको आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा जब इसको सुनेंगे कि क्या है इसका मतलब अम अम का मतलब और भी होता है लेकिन इज इज भी होता है अम फॉर देम यानी क्या उनका उनके लिए नसीबुन नसीब आपको मतलब है पहले भी पढ़ चुके हैं कोई हिस्सा एनी पोर्शन एनी शेयर नसीबन इज देयर फॉर देम अर मिनल मुल्क ऑफ़ द किंगडम किसकी किंगडम मिल्कित अल्लाह की बादशाह में से ना ही तो आपका माइक बंद कर दीजिए so, सवाल पूछ रहे उर्दू में है क्या उनका कोई हिस्सा है बादशाहत में या मिल्कित में अल्लाह की मिल्कियत में या अल्लाह की बादशाह में अल्लाह का लफ्स लिखा मैंने लेकिन मिलल मुल्क अल मुल्क का मतलब है अल्लाह की मिल्कित फ If that were the case, ف, देखे एक होता है ईजा का मतलब है जब सिंपली जब लेकिन जब इजन आता है, इजन का मतलब है अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा होता अगर ऐसा होगा तब मतलब वो एक उसमें आ रहा है पीपल नकी नकीरा को मैं बताती हूँ नकीरा जैसे हमने पढ़ा था फतीला ये नकीरा है एक और लफ्स है अरबी लोग यूज करते हैं क्योंकि इसका भी खजूर की घुटली से ताल्लुक है तो नकीरा को इंग्लिश में ट्रांसलेट आप करेंगे एज अ स्पेक ऑन अ डेट सीड पिछली दफा क्या था लाइक अ थ्रेड लाइक अ कुछ बताया था मैंने रेशा या थ्रेड इसमें क्या है लाइक अ हेयर इसमें क्या लाइक अ स्पेक यानी एक धब्बा एक दाग तो इफ दैट द केस, नॉट दे वुड गिव द पीपल मच ऑन अ डेट अगर ऐसा होता तब तो नहीं वो देंगे लोगों को खजूर की घुटली के शिगाफ के बराबर भी शिगाफ वो जो छोटा सा खड्डा सा होता है समझ ले उसके बराबर भी नकीरा उसको कहते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आया भी पढ़ते हैं आय नंबर फिफ्टी फोर

आपको पता है सब जेलस होने को कहते हैं अम यह सुदून अन्नासा आर दे जेलस ऑफ द पीपल आला मा आता हूँ अल्लाह मिन फदली आला यानी ओवर अबाउट मा आता हूँ व्हाट अल्लाह गिव देम किसको दिया किसने दिया अल्लाह ने मा आता हूँ अल्लाह व्हाट गिव देम अल्लाह मिन फदली ही फ्रॉम हिज बाउंटी

फिर से इसको पढ़ते हैं उर्दू में मैंने नहीं पूरी तरह पढ़ा तो यकीनन फकद आता ही ना अला इब्राहिमा तो यकीनन हमने दी आल इब्राहिम को इब्राहिम की फैमिली को अभी ने हम कहते हैं ना सल महमदीन वाली महमदीन कमा सब्राहिम वाली इब्राहिमा तो फैमिली उनकी औलाद उनकी नस्ल को तो हमने इब्राहिम की नस्ल को आल इब्राहिम को क्या किया दिया अल किताब किताब दी हिक्मा और हिक्मत दी वह आता और हमने उनको एक मिल्कियत दी एक, दी, एक सल्तनत दी मुलकन अजीमा। कि बहुत बड़ी, बहुत अजीम उनको सल्तनत दी जो बहुत बड़ी उनको बादशाही दी इसी के साथ जुड़ा हुआ है तो आया फिफ्टी फाइव भी पढ़ते हैं

ये देखें इब्राहिम की औलाद के बारे में आ रहा है और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं व कफा बी जहन्नम सईरा एंड सफिशिएंट कफा इज सफिशिएंट बी जहन्नम द हेल फायर या हेल सईरा सईरा आपको मा, मालूम है ब्लेजिंग फायर एंड सफिशिएंट इज हेल अ ब्लेजिंग फायर इंग्लिश में मैं पूरा रिपीट करती हूँ देन एक साथ देन फ्रॉम अमंग देम आर सम हु हैव हु बिलीव्ड इन हिम एंड फ्रॉम अमंग देम आर सम हु टर्न्ड अवे फ्रॉम हिम फ्रॉम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो सिखाया उससे उनको किताब दी उनको हिकमत दी और फिर उसके बाद लोग उससे फिर गए और फिर अल्लाह ताला कहते इनसफिशिएंट इज हेल अ ब्लेजिंग फायर उर्दू में है तो उनमें से बाज वो हैं जो ईमान लाए उन पर बाज वो हैं जो ईमान लाए उन पर और उनमें से बाज हैं जो रुक गए उनसे रुक गए मतलब के सद्दा यानी उन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर लिया उन्होंने रोक लिया वो नहीं गए आगे अच्छा वकफा भी जहन्नम सईरा और काफी है जहन्नम दहकती हुई आग भड़कती हुई आग अब हम आया नंबर 53 से 55 की तफसीर इकट्ठे करेंगे बिकॉज दे आर ऑल दे समझ लिया कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है

उन्होंने क्या कहा था याद है एंड में हमने क्या पढ़ा था वो कह रहे थे कि जो लोग डिसबिलीव करते हैं जो कुफर करते हैं वो अहदा वो मोर गाइडेड है वो ज्यादा हिदायत पर है उन लोगों से जो ईमान लाए याद आ गई ये बात अब इस आयत वो फिफ्टी टू में था वन में याद नहीं अब इस आयत में फिफ्टी थ्री में अल्लाह ताला एक और सवाल पूछ रहे हैं अम लहुम नसीम मुल्क कि क्या उनके पास अल्लाह की किंगडम का कोई शेयर है उन लोगों के पास उन्हीं सेम लोगों के लिए अल्लाह ताला पूछ रहे हैं के लिए जो मुसलमानों को जज कर रहे हैं ये मुसलमान मिसगेंस पे हैं मुसलमान हिदायत पे नहीं है और कुफार हिदायत में है अब उनसे ये पूछा जा रहा है क्या अल्लाह की मिल्कियत में आपका कोई शेयर है अल्लाह की मिल्कियत में आपकी कोई अथॉरिटी है जो आपको ये हक दे रहा है जो आपको ये इंटाइटलमेंट दे रही है कि आप जज करें कि कौन ज्यादा हिदायत पे और कौन नहीं है अल्लाह ताला सवाल पूछे उन्हीं लोगों से कि देखें वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमान ज्यादा हिदायत पे नहीं इनसे बेहतर हिदायत पे जो इनसे ज्यादा हिदायत पे डिसबिलीवर्स हैं तो अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि अल्लाह की मिलकियत में आपकी कोई शेयर है कि आप लोगों को जज करें हम तो आगे पीछे लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं ना कोई शेयर नहीं है कुछ भी नहीं वो फलाया ऐसे फलाएँ फला ने किया तो अल्लाह ताला, ताला फिर कह रहे हैं फइजन लेकिन अगर ऐसा होता इफ दैट वर द केस अगर आपको मिल्कियत का कुछ हिस्सा भी मिल जाता ला यू, यू, नासा नकीरा तो आप क्या करते आप उनमें से यू दे ना उनके बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि वो किसी को भी एक एक खजूर की गुटली के अंदर जो एक है उसके बराबर भी उनको कुछ भी नहीं देते मीनिंग कि अगर जूस का रियली कोई शेयर होता अथॉरिटी में तो उनके उनसे कोई भी कुछ नहीं पाता ये वर्ड कौन सा यूज हुआ नकीरा जैसे मैंने आपको पहले बताया था फतीला यूज हुआ था फतीला जो था आपको बताया था एक घेर था और कोई भी रेशा या हेयर या धागे जैसी चीज और नकीरा आप खुद देखेंगे आप जाके खजूर की घुटली को जरा गौर से देखें उसके अंदर एक मार्क होता है जो पीछे ऐसे खड्डा सा होता है ना स्पेक होता है एक खड्डा सा होता है शिगाफ सा होता है उस पर एक मार्क सा होता है तो अल्लाह तला कह रहे हैं नकीरा इतना भी वो किसी को ना देते अगर उनके पास इन यहूदियों के पास अगर अल्लाह की मिल्कियत में जरा सा भी कोई हिस्सा होता तो वो किसी को भी कुछ ना देते अब कुछ ना देते को उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है चाहे वो पैसों की बात कर रहे हैं चाहे क्रेडिट की बात कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि वो कितने कंजूस हैं कितने बख़ील हैं वो इतने कंजूस हैं कि वो ट्रूथ को भी एक्नोलेज नहीं कर रहे हैं उनको मालूम है उनको अच्छी तरह मालूम था पहले भी मालूम था अब भी मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हैसियत क्या हकीकत है लेकिन वो फिर भी इतने कंजूस इतने वकील है कि उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे उनको छोड़ो मुसलमानों को भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं जो हिदायत में है उनको भी क्रेडिट नहीं दे रहे इतना तो कह सकते थे ना कि जो मुसलमान है हाँ उनको ये क्रेडिट जाता है नहीं वो किसी को भी क्रेडिट नहीं देते हैं किसी भी राइचियसनेस का किसी भी पार्टी का या किसी भी अच्छाई का तो अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं आया 54 में कि क्या वो अम मा कि क्या वो जलस हैं उन लोगों से जिनको अल्लाह ने अपने फजल से अता किया तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अता करने का आप क्या कह रहे हैं मेरी मर्जी है जिसको अता करूँ अल्लाह ताला ने फकत तो तोनली हमने किसको दिया आले इब्राहिम को किताब भी दी हिकमत भी दी और उनको बहुत बड़ी बादशाही भी दी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इब्राहिम को उन्होंने किताब हिकमत नबूत हिकमत और नबूत समझ ले एक ही चीज है और बहुत बड़ा एक 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 सल्तनत भी थी उनको अच्छा अब देखें इब्राहिम के हो रहा है लेकिन क्या इब्राहिम सलाम का हमने पढ़ा नहीं था कि इब्राहिम सलाम ने पूछा अल्लाह ताला से जब अल्लाह ने उनसे वादा किया तो उन्होंने इब्राहिम सलाम ने पूछा कि क्या मेरी नस्ल को भी यही वादा पहुंचेगा जो आपने दिया है मुझे मैंने उनको भी नबुअत मिलेगी उनको भी लीडरशिप मिलेगी वो भी इमाम होंगे तो अल्लाह तला ने कहा कि नहीं मेरा वादा उन लोगों को नहीं पहुंचेगा कि जो फिर जाएंगे जो आपकी बात नहीं मानेंगे जो किताब और सुनना से दूर हट जाएंगे आपको पता है इब्राहिम सलाम के बेटों में इस्माइल सलाम भी थे और याकूब सलाम भी थे मतलब जो याकूब थे उनका क्या है इस इस वो इसराइली कहलाते थे और इस्माई सलाम वो वो बनी इसराइल कहलाने जाने लगे और ये क्या कहने जाने लगे इनको बनी इस्माइल कहने लगे इस्माइली के इस्माइली नहीं मतलब बनी इस्माइल कहने लगे मतलब ये वसल्लम जिस औलाद में से पैदा हुए वो इसी में थे तो ये इसराइली थे 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 वो कहां थे? वो लोग ठीक है ना वो लोग मतलब आ, इजिप्ट में और वहां वहां पर रहे और ये लोग कहाँ थे अरब में थे तो अल्लाह ने क्या प्रॉमिस किया था कि उन लोगों को जो इब्राहिम को फॉलो करेंगे उनकी किताब को उनकी विजम को तो अल्लाह ताला जो भी उतारेंगे तो उसको फॉलो करेंगे उनका वादा था अल्लाह के साथ अब क्या हुआ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को किताबें बनी इसराइल तो पहले थी ना बनी इसराइल को इतनी सारी किताबें भेजी इतने सारे नबी भेजे उनको विजडम भेजी उनको प्रॉफिट्स भेजे लेकिन उन्होंने अल्लाह के फेवर्स को अप्रिशिएट नहीं किया आपने पूरा सुरह बकरा में पढ़ा बनी इसराइल के बारे में आपने सराः इमरान में पढ़ा कि उन्होंने अल्लाह ताला के फेवर्स को उनके फजल को अप्रिशिएट नहीं किया एक्नॉलेज नहीं किया और अपनी ऑब्लिगेशंस भी पूरी नहीं की राधा वो फिर के चले गए इसलिए सद्दा का यूज हुआ है वो वहां से मुड़के चले गए लेकिन ये किताबें जब आई इस्माइल आलम की औलाद में उन लोगों ने इसको शुक्र के साथ और ईमान के साथ इसको एक्सेप्ट किया और अभी तक वो एक्सेप्ट करके अभी तक भी जो हमारी जितनी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है वो किस में से है इस्माइल इस्माईलम की प्रोजनी में से है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर थे और वो भी चिल्ड्रन ऑफ इस्माइल में से थे आले इस्माइल में से थे इब्राहिम के तो थे लेकिन इब्राहिम के बाद इस्माइल में से थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वजह से क्या हुआ वो जो उम्मीद थे अल्लाह ताली ने लफ्ज़ उम्मी यूज़ किया है फॉर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और अरब के लोगों के लिए भी उसका मतलब जाहिल नहीं होता है उसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम यूज़ करते हैं तो उनके लिए यूज़ करते हैं कि अनलेटर्ड मतलब कि वो लोग कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो नहीं जाते थे ना तो वो एक उम्मी कौम थी सऊदी अरेबिया में अरब में और वो स्पिरिचुअली मॉरली इंटेलेक्चुअली उनके लिए एक रेवोल्यूशन था एक इनकलाब था जो नबी सल्लम लेकर आए थे उन्होंने ये जब आए उनकी पूरी जो प्रैक्टिकल लाइफ जो है उनकी चेंज हो गई जब उनकी सारी चेंज हो गई और नबी सल्लासम को वो फॉलो करने लग गए कुरान और सुन्ना पे अमल करने लग गए तो क्या हो गए वो इतने ऊपर चढ़ गए उनकी जो ग्रेटनेस है उनकी जो ग्लोरी है उनकी जो लीडरशिप है वो क्यों आए कुरान और सुनना पे अमल करने की वजह से तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एक फजल है जो अल्लाह ताला ने उन पे इस्लाम को ला रिवील किया और वहां से उनकी रीजुविनेशन या रिबर्थ हो गई वो लोग जो जाहलिया में थे वो दोबारा से ज़िंदा हो गए उनको इग्नोरेंस के बदले उनको लर्निंग मिल गई उनको एजुकेशन मिल गई उनको तरबियत मिल गई उनको हिदायत मिल गई और उनके डिस्टिकटिव कैरेक्टर्स आ गए उनका अमाल उनके अख्लाक उनकी कॉन्फिडेंस उनकी रीएश्योरेंस उनकी स्ट्रेंथ उनकी तस्किया हर कुछ उनका होने लगा बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज ऑफ इस्लाम तो जो यहूदी हैं वो ये कहते हैं कि अगर वो उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है उनको इतनी लीडरशिप मिल रही है अल्लाह का इतना फजल मिल रहा है और वो खुद किस वजह से उनको नहीं मिला उनकी अपनी नााहली की वजह से बिकॉज ऑफ देयर ओन अनवर्दनेस उनको क्या मिला उनको वो शेयर नहीं मिला जो उन अरबों को मिल गया तो ये टॉलरेट कर ही नहीं सक रहे थे ये फजल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कि क्या आप जेलस हैं उन लोगों से जो हमने अपने फजल से उनको अता किया बिल्कुल सही ये उनकी जेलसी थी उनकी नफरत थी उनकी हेट्रिट थी उनकी एनमिटी थी एनिमोसिटी उनकी दुश्मनी थी जो कि उनके अन जस्टिफाइबल रिमार्क्स में नजर आ रहा था कि वो मुसलमानों के मुतल क्या कह रहे हैं बार बार मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि ये ये भटके में और जो गुफार हैं वो हिदायत बने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जल्स थे और मुसलमानों से भी जल्स थे और मोर सो so किस लिए कि वो बने इसराइल में से नहीं थे उन्होंने रियलाइज किया कि दे मिस्ड ऑन अचीविंग देयर अगर वो अपने को सही रखते तो वो क्या होते वो दुनिया के लीडर्स हो, होते क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको चुना था एज लीडर्स हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कुरान में अल्लाह ने चुना उन्होंने अपने हाथ से उसको छोड़ दिया और फिर मुल्क का नजीमा एक और भी है इसमें अगर आप देखें इट्स ये इसकी पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड और लीडरशिप को तो बोल रही है कि मुसलमानों की लीडरशिप मुसलमानों की जो और क्यों आई है लीडरशिप अगेन हाँ ये भी है कि किस लिए आई बेसिकली दो चीज़ों की वजह से कि उनके पास नॉलेज आ गई कुरान आ गया सुनना आ गई और फिर वो उस पर एक्ट करने लगे उस पर अमल करने लगे तो सिर्फ इल्म से कुछ नहीं होता है इलम तो बनी इसराइल के पास भी है लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया तो वट द डिफरेंस द डिफरेंस ये नहीं था कि वो अरब थे और वो नॉन अरब थे वो अरब थे और वह अजम थे नहीं ये वजह नहीं थी वजह ये थी कि उन्होंने उस पर ईमान भी लाया उस नॉलेज को एक्सेप्ट किया नबी को एक्सेप्ट किया बुक को एक्सेप्ट किया और उस पर अमल करने की कोशिश की और फिर इसके बाद मैं आपको ये बता रही थी कि एक और चीज़ को रेफर भी करती है कि उसी नस्ल में से आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही किसकी बड़ी बड़ी सबसे बड़ी बड़ी दो किंगडम्स आई दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो भी अल्लाह ताला ने इनको दिया इब्राहिम आलम की नस्ल को दिया वो भी आए तो अल्लाह ताला उसकी याद दिला रहे हैं कि हमने मुल्कन अज, अजीमा उनको दिया

आते हैं आया नंबर 56 पर बहुत इम्पोर्टेंट तमाम आयात इम्पोर्टेंट है कुरान की जाहिर है लेकिन ये जरा ज्यादा ही दरावनी सी है इन न लजीना का फरू नारा कुल्लमा नद्जत नद्जत जुलूद हम बदल ना हम जुलूदन गई रहा लियाजू उल आजाब इन ना का हकीमा आप सबको समझ आ गई होगी जुलूद की बात हो रही है स्किन की बात हो रही है स्किन्स की बात हो रही है और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या लिखा हुआ है इन लजीना का बेशक जो लोग जिन लोगों ने कुफर किया इन डी दो डिसबिलीव इन लजीना का फरू भी आयात इना इन आवर साइंस इन आवर आयात इन आवर मेरिकल वो जो भी आप ले लें इन डी दो सु बिलीव इन आवर साइंस इन आवर आयात, आयात सोफा यानी के फ्यूचर टेंस के लिए कह रहे हैं

यानी या, अल्लाह ताला उनको डाल देंगे उनको कास्ट कर देंगे उनको जलाएंगे किस चीज में उनको एक फायर में विल कास्ट और बर्न इन फायर। बेशक जिन्होंने कुफर किया या इनकार किया हमारी आयात का हम डाल देंगे उनको आग में हम डाल देंगे उनको आग में कुल लमा नद जुलूद हम बदल नाहूदल नाहूदन गई रहा कुल लमा एवर कुलमा व्हेन एवर नदीजत नदीजत के नोट लेटर्स हैं नोन दाद जीम नोन दाद जीम नदीजा यंदीजू नद जून नदीजा दाद है अच्छा नोन दाजीम नदीजा यंदीजू नद जून अल्लाह ताला कह रहे कुलमा नदीजत व्हेन एवर जब कभी नदीजत नदीजत का मतलब है रोस्ट होना बर्न होना डिफॉर्म हो जाना रोस्ट होना बर्न होना डिफॉर्म हो जाना जुलूद में कहते हैं बदल देंगे वी विल चेंज देस को जुलूदन वी विल चेंज फॉर देम जुलूदन स्किन उनके स्किन गई रहा कौन से दूसरी जिलदे दूसरी स्किन गई रहा अदर देन दैट दूसरी जिल से बदल देंगे अगेन आई रिपीटर विधअर उर्दू में कहेंगे जब कभी पक जाएंगी जल जाएंगी उनकी जिल्दे उनकी खालें हम बदल देंगे उनको उनके अलावा दूसरी जिल से बदला यु बदिलु तब्दील तब आप पहले भी पढ़ चुके हैं फॉर्म टू है बदला यु बदिलु इसके रूट लेटर्स हैं बा दाल लाम तो आपको पता नहीं जैसे उर्दू में भी बदल कहते हैं क्यों बदल देंगे अल्लाह आगे पढ़िए लियाजू लियाजूल अजाब सो दैट दे मे कीप टेस्टिंग द पनिशमेंट अब ऐसे लग नहीं है कंटिन्यूस सेंटेंस है ये मतलब कंटिन्यूस टेंस है वो कहते हैं ताकि वो चखे आजाब को ये जब हम ट्रांसलेट कर लेते हैं ना ताकि वो चखे आजाब वो चखे आजाब को पूरा आपको मानी नहीं कन्वे करता है क्योंकि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उसको दोबारा बदलेंगे तो वो चखते रहेंगे आजाब को चखेंगे आजाब को नहीं चखते रहेंगे सो दे मे कीप टेस्टिंग द पनिशमेंट इन अल्लाह का ना अजीज एंड हकीमा इन अल्लाह इज ऑल एंड ऑल अब है लिया ताकि वो चखते रहें जाब को ताकि वो चखते रहें आजाब को बेशक अल्लाह जबरदस्त या बहुत गालिब या बड़ी हिकमत वाला है इसकी अब देख लेते हैं इसकी ज़रा तफसीर थोड़ी ज्यादा है समझने वाली बात है तो अल्लाह तरमान रहें कि इन लजीना का फ़रूब ना किन लोगों के लिए जो हमारी आयात को हमारी साइंस को हमारी हमारी बातों को हमारी किताबों को हमारे नब्बियों को जो के उससे इनकार करते हैं दो जो डिसबिलीव

फिर अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला तल माइटी है इससे पता चलता है इस आयत से खास कर पता चलता है कि देर इज सम इन द स्किन हमारी जिल्दों पे कोई एक ऐसी चीज है जिससे हमको पेन महसूस होता है जिससे हमको दर्द महसूस होता है एंड दिस इज एग्जैक्टली जो मॉडर्न साइंस ने हमको अब बताया अब जाके बताया कि हाँ हमारी जो रिसेप्टर्स हैं पेन की जो रिसेप्टर जो पेन को रिसीव करती हैं जो रिसेप्टर्स हैं वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फीलिंग द पेन जब वो पेन को ये रिसेप्टर्स को पेन होता है तो हमारे हमें पेन पेन फील होता है महसूस होता है और पहले ये होता था कि ये जो हमारी फीलिंग्स हैं सेंस ऑफ फीलिंग्स और पेन जो है ये सिर्फ डिपेंडेंट है ऑन द ब्रेन हमारे जहन में हमें जब आ रहा है हमको लग रहा है तो जब हमारे जहन पे ये बात जाती है तो हमें वो फील होता है ये सब अब देखें क्या रिसेंट डिस्कवरीज ने क्या कहा है उन्होंने ये कहा है कि पेन रिसेप्टर जो हैं जो कि स्किन पे होती हैं अगर वो स्किन से हटा ली जाए अगर उस स्किन को हटा लिया जाए तो उस पर्सन को फिर क्या होगा उस बंदे को पेन जो है वो फील नहीं होगा और ये क्या चीज है ये रिसेप्टर्स ये नर्व्स हैं ये नर्व्स हैं ये नर्व्स डिफरेंट काइंड की होती है कुछ नर्व जो है वो टच को फील करती है टच करो तो फील होता है डिफरेंट नर्व्स है कुछ जो है वो प्रेशर को फील करती है कुछ जो है वो हीट को फील करती हैं और कुछ कुछ जो है वो

ऐसा होता है प्यार से भी बोलो कुछ भी तो ओह ऐसे करेंगे तो ये है अल्लाह ताला ने हमको बताया है अब साइंस के थ्रू हम उसको कंफर्म कर रहे हैं हम उसको कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं आता है कि जो कुरान में वो सच है जब अल्लाह ने बता दिया है दैट इज़ अ कॉन्फर्मेशन फॉर अस अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जब वो पेन की सेंसेशन खत्म हो जाएगी इफ इट इज लॉस्ट अल्लाह ताला क्या करेंगे उसको दोबारा से उसकी रोस्टेड स्किन को हटा के नई स्किन डालेंगे जो कि फुल्ली कंपोस्ट होगी और फंक्शनल स्किन होगी जो कि फील कर सकेगी जब ये स्किन रिप्लेस हो जाएगी नई वाली स्किन तो वो जो नर्व एंडिंग थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द पेनफुल सेंसेशन ऑफ हीट एंड बर्न वो दोबारा से अपनी फंक्शन परफॉर्म कर सकेगी सोचें दिमाग हमारा जाता है इस तरफ जाता है कभी तो डिसबिलीवर जो है उनके बारे में जो कफर जो कुफर कर रहे हैं अल्लाह की आयत से उनको पनिशमेंट मिलती ही रहेगी मिलती ही रहेगी एक जिल एक जिल थटेगी दूसरी जिलदाएगी एक जिल थटेगी दूसरी जिल आएगी और हमेशा हमेशा काज थोड़ा सा इसकी डिटेल में इसलिए जाते हैं कि हमें जब कोई पूछता है तो हमारे पास जवाब होना चाहिए खासकर डिस बिलीवर्स अगर पूछें तो वो कहेंगे तुम अपने आप से बोल रहे हो कुरान में एक लाइन आ गया तुमने उसको अपने आप से तो हम साइंटिफिक एविडेंस की देखते हैं कि जब स्किन बर्न होती है इसका बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है अगर आप ऑनलाइन ढूंढेंगे आपको द थ्री टाइप्स ऑफ बर्नस में बहुत ज्यादा आएगा लेकिन जनरली हमें भी पता है ना हम कहते हैं ओ ये फर्स्ट डिग्री बर्न है किसी को आग लग जाती है तो हम कहते हैं सेकेंड डिग्री बर्न है थर्ड डिग्री हमें इतना तो नहीं पता लेकिन जब डॉक्टर कह देते हैं कि ये इतना टाइप की बर्न

तो वो रेडनेस होती है कभी स्वेलिंग हो जाती है वो सनबर्न हो जाते हैं ना और वो यूजुअली विद इन टू टू थ्री डेज खत्म हो जाती है उसका रंग रह जाता है असर रह जाता है कालापन रह जाता है <laughs> लेकिन एक मजाक है आपको ये भी बता दो सच्ची बात है मैं आई हुई थी नाइनटीन एटी वन एटी की बात है तो उस वक्त थोड़ा सा बीच में ट्रेंस हो गए तो थोड़ा अपने आप हाँ को थोड़ा सा वो कर दें तो मैं यहाँ आई थी और आई मेरा भाई उस वक्त लेक लेको में रहता था तो मैं लेक टाहा उसके पास गई अब सुबह वो दफ्तर उसको मैं ड्रॉप कर देती थी।, थी दफ्तर फिर मैं जाके जो पानी के पास बैठ जाती थी और इतना अच्छा लगता था लेक में इतना खूबसूरत पानी और ऊपर से मैं आराम से ना सन बर्न होती जा रही हूँ मुझे पता नहीं था मेरी हालत क्या होती जा रही है मैं थोड़े दिन रही वहाँ उसके पास उसके बाद जब मैं वापस पाकिस्तान पहुंची तो मैं उस वक्त टीच करती थी यूनिवर्सिटी में तो मैं अपने ही गेट से एंटर करने गई तो चौकीदार मुझे इस तरह रोकता है ना मैंने कहा मैं मिस नसरीन हूँ मैडम नसरीन हूँ तुम तो जी देखता हैरत कहता है ओए तो मेरा रंग इतना काला था मैंने देखा ही नहीं क्योंकि वो रोज और काला होता जा रहा और काला और काला होता जा रहा था अंदर गई तो मेरे स्टाफ मेंबर्स बोलते कि तुम अमेरिका से आई हो या सहारा से आई हो अब सोचें कि ये हालत हो जाती है तो वो काला रंग रह जाता है लेकिन पेन और स्वेलिंग और वो जो है वो डिस हो जाता है विद इन टू टू थ्री डेज ये जो फिनमिन ऑफ रेडनेस है सेकेंड डिग्री बर्न क्या होती है उसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इंजर हो जाते हैं एपिडर्मिस जो ऊपर की लेयर है और डर्मिस जो उसकी लेयर है दोनों इंजर हो जाती है सेकेंड लेयर इन सच अ केस क्या होता है कि डिटैच हो जाता है एपिडर्मिस और डर्मिस आपस में एक डिटैचमेंट हो जाती है उसकी वजह से क्या होती है उनके दरम्यान में जो एक सिक्रीशंस uh, uh, पैदा हो जाती है बिटवीन द टू लेयर्स एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं उससे क्या होता है कि जो आदमी जिसको जो जला है उसको सिवियर पेन होता है पहले क्या था मॉडरेट पेन था अब सिवियर पेन होता है और एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ पेन सेंसेशन होता है और उसके क्या होता है उसकी वजह से जो उसकी एक्सपोज नर्व एंडिंग थी उधर इरिटेशन भी होती है और इसकी वजह से उसके ब्लिस्टर आने आप देखते हैं हमारे छाले पड़ जाते हैं वो हमारा सेकंड डिग्री बर्न होता है फर्स्ट डिग्री नहीं होता है। जब हमारे और छाले कभी चूल्हे पे काम करते हुए हुआ होगा सबके साथ होता है तो वो स्किन क्या होता है इट स्टार्ट हीलिंग और एक दो हफ्ते में ठीक हो जाता है क्योंकि द प्रोसेस ऑफ रेनोवेशन जो है एंड इनवर्जन अंडर द स्किन चल रही होती है ये अल्लाह का निज़ाम है जलते भी हैं तो भी ठीक हो जाते हैं अब बर्न्स ऑफ द थर्ड डिग्री क्या होती है पूरी स्किन जो है ये जो लास्ट डिग्री होती कहते हैं इसको तो थर्ड डिग्री बर्न है पूरी स्किन की जो थिकनेस है द होल स्किन थिकनेस जो है वो बर्न हो जाती है और पर उसकी जो इंजरी जो होती है वो अंदर जाके मसल्स को भी तर, आ, अफेक्ट करती है और बोन को भी उसमें क्या होता है जो स्किन है वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर जाती है रफ हो जाती है ड्राई हो जाती है और अगर ऐसे वक्त में अगर आप उस इंजर्ड पर्सन को आप एक सुई चुभा के देखें ना अल्लाह ना करे हम क्यों चुबाएं लेकिन कैसे कि अगर आप चुबाएं चुबाएं तो ए, उसकी जो नर्व एंडिंग्स है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गई होती है बर्निंग जो थर्ड डिग्री बर्न में होता है जो कम्पलीटली डिस्ट्रॉइड होती है उनके अंदर फिर फीलिंग ऑफ पेन खत्म हो जाती है जब डॉक्टर के पास आप किसी जल जले हुए इंसान को लेकर जाते हैं तो वो सबसे पहले किस तरह वेरीफाई करता है वो एक पिन या एक नीडल लेके उसके स्किन पर लगा के देखता है कि वो ऐसे करता है कि नहीं करता है अगर वो ऐसे कर रहा है उसका मतलब ये थर्ड डिग्री नहीं है अगर वो नहीं हिलता है नहीं स्टार्टल करता है और, पे, पेश, और अगर पेशेंट कहता है कि मुझे आई एम पूछता है डू यू फील पेन अगर वो कहता है ये आई एम फीलिंग पेन तो डॉक्टर को तसल्ली हो जाती फील्स है फील्स हैप्पी ही फील्स रिलीव्ड क्योंकि उससे पता चलता है कि पेन रिसेप्टर जो है वो इंटैक्ट है और उससे पता चलता है कि बर्न्स जो है वो सुपरफिशियल है अंदर मसल या बोन तक नहीं पहुंचे थर्ड डिग्री को फिर बचाना भी बहुत मुश्किल है कई लोग मेरे जानने वाले हो गए आफ्टर उनको आग लगी है तो मेरे अपने मामू का भी इसी तरह इंतकाल हुआ था और फ्रेंड्स का भी हुआ है अच्छा अगर वो उनको वहां पर पेन नहीं फील हो रहा है तो फिर डॉक्टर जो है वो चौंक जाते हैं फिर वो कहते हैं उसका मतलब दिस इज द एक्सट्रीम स्टेज फॉर द चेंज ऑफ स्किन और इसीलिए जब अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया नदीज़त वो जत एक्सट्रीम स्टेज है एक्सट्रीम स्टेज जब जहन्नम में होंगे ब्लेजिंग फायर में होंगे जलती हुई आग में होंगे हमें तो जरा सा फ्राइंग पैन टच कर जाता है तवा टच कर जाता है तो हमारे ब्लिस्टर बन जाते हैं तो उस वक्त क्या हालत हमको बचा के रखे अच्छा इसके बारे में एक और था थाईलैंड था, था के एक चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी थे वो तो थाईलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ थाईलैंड इन चैंग माई चैंग माई उन प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर तेगा तेजासन ठीक है ना उन्होंने इसमें बहुत सारी रिसर्च किया वो एनेटमी के थे उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की प्रोफेसर थे चेयरमैन थे उन्होंने पेन रिसेप्टर्स पे बहुत रिसर्च की और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि कुरान ने इस साइंटिफिक फैक्ट को 1400 से ज्यादा कबल 1400 साल से ज्यादा पहले जो है इस बात को कुरान में आया उन्होंने इसको वेरीफाई किया उन्होंने इसको ट्रांसलेशन को पढ़ा लेकिन वो इतने इम्प्रेस हो गए इससे इस साइंटिफिक एक्यूरेसी से कि जब सऊदी अरब में एथ सऊदी मेडिकल कॉन्फ्रेंस था रियाद में उसका जो टॉपिक था साइंटिफिक साइंस ऑफ कुरान सुन्ना मतलब लोग अपने अपने बता रहे थे ये जो है ये एनाटमी के थे इन्होंने सबके सामने वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में शहादा लिया इन चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी जो थे इन्होंने वहां पर uh, अपनी रिसर्च की बेसिस पर जब वहां गए और बाकी मेरेकल्स सुने इन्होंने सबके सामने वहां पर शहादा लिया सुबह अल्लाह देखे अल्लाह एक sentence, एक सेंटेंस सेंटेंस है उससे आदमी ने शहादा ले लिया और हमारे यहाँ हम कुरान बांटते रहते हैं हम बांटते रहते हैं हर एक को बांटते रहते हैं जिसने पढ़ना है वो हिदायत लेगा उसके अंदर हिदायत है वो सी विल सीख जो नई सीख करेगा उसको कैसे मिलेगा

खिलो उसमें भी सोफा था इसमें स है स स और सोफा दोनों फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है कोई कहते हैं स नियर फ्यूचर के लिए और सोफा लेट फ्यूचर के लिए कोई कहता नहीं सोफा नियर फ्यूचर के लिए स जो है लेट ड मैटर दे आर बोथ अबाउट द फ्यूचर ठीक है तो सनुद खिलो के हम उनको दाखिल कर देंगे जन्नात उनको जन्नात में दाखिल करेंगे उनको बागात में दाखिल करेंगे तजरी हल अनहार

उर्दू में है और वो लोग जी ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए सिर्फ ईमान नहीं है ईमान लाए और नेक अमाल किए दोनों चीजें लाजमी हैं हैंड इन हैंड है एक के बगैर दूसरा इनकम्प्लीट है अल्लाह ताला कहते हैं हम दाखिल करेंगे उनको बागात में जन्नात बागात में और फिर अल्लाह ताला कहते हैं बहती हैं उनके नीचे से नहरें आप सबको पता है दखला से आया लेकिन चूंकि अल्लाह दाखिल करेंगे तो दखला के बदले अदखला दखला तो फॉर्म वन है लेकिन अद खला कौन सा है फॉर्म फोर जब अ से शुरू होता है तो आप याद रखें अदखलाद खालन और तजरी का क्या मतलब है तजरी जरा यजरी जरियान बहती हैं चलती हैं ठीक है अच्छा जन्नात के लिए यूज हुआ है इसीलिए सिंगुलर भी हो सकता है हा और फिर उसके बाद जन्नाथ है तो उसके लिए प्लूरल पे भी चूंकि नॉन ह्यूमन है गैर वाक़िल है उसकी वजह से ये क्या यूज होता है हा फेमन सिंगुलर यूज होता है खालिदीना फीहा अबाइड इन देम अबा

फिहा इन एट या इन देम क्या होगा उनके लिए आर अजवाज मुताहरा अजवाजॉर्ज का प्लोरल है जौज का मतलब है spouse, जोड़ा उनके लिए वहां पर स्पाउसेज होंगे जोड़े होंगे मुताहरा जो कि प्योर होंगे या प्योरिफाइड होंगे दोनों चीजें यूज होती है प्योर के लिए भी प्योरिफाइड के लिए भी यूज होता है मुताहरा लेकिन चूंकि यहाँ पर अब इन्होंने यूज किया है स्पेशली मुताहरा यूज किया तो ज्यादातर वो ये कहेंगे उनके लिए बीवियां होंगी ये दोनों के लिए यूज होता है इस वक्त दोनों ने जब मर्द के लिए बोलते हैं उसका मतलब ये कि के लिए भी ऐसा ही होगा स्पेशली अलग स्टैंड आउट करके नहीं बताया एंड एंटर शेड को कहते हैं और ज़लीला किस को कहते हैं थिक वही है रूट लेटर्स वही है तो यानी थिक होगा शेडी होगा डें डार्क कह लें cool कूल कह लें दोबारा रिपीट करती हूँ दे रिमेन देनाथ फॉर एवर फॉर देम इन इट इन देम आर स्पाउसे प्योर एंड प्योरिफाइड एंड वी विल एंटर देम इन अडी शेडी के साथ आप कहेंगे थिक डार्क कूल या डेंस यानी वो रहेंगे उसमें हमेशा उनके लिए उनमें पाकिजा जोड़े होंगे बीवियां होंगी दोनों आप जो कह लें होंगी या जोड़े होंगे पकीजा बीवियां होंगी या पकीजा जोड़े होंगे इसके मतलब ये भी कहा जाता है कि वो जो उनके लिए प्योरिफाइड होंगी मतलब जिस तरह से वो चाहते हैं अपने जोड़े को ये और जगहों पे भी लिखा हुआ है इस वक्त तो नहीं इसमें दिया हुआ है लेकिन इसका ये भी मतलब है जहाँ पढ़ते हैं तफसरों में तफासिर में तो वो कहते हैं कि जैसे कि अगर हम अपने शोहर में कोई चीज चाहते हैं कि ये चीज़ हो ये आदत हो और वो उनमें नहीं है लेकिन हम जन्नत में जाएंगे तो उनमें वो चीज़ भी मौजूद होगी सिर्फ आदत नहीं उनका चेहरा उनका उनका, उनका बैठना उनकी हर कुछ उस तरह से हो जाएगा जैसे हम पसंद करते क्योंकि जन्नत में आपको हर चीज मिलेगी जो आप चाहेंगे इसी तरह मर्दों के लिए वो अपनी बीवियों में जो चीजें चाहते हैं और वो बीवियों में नहीं है उनको वो वैसी बीवियां मिलेंगी अगर जन्नत पे होंगे तो फिर अल्लाह तला कह रहे हैं कि और उनके लिए हम उनको दाखिल कर देंगे घने साये में घनी ठंडी छाओ में आप कह सकते हैं कि वो छाव जो कि घनी भी है ठंडी भी है सायादार भी है तो फिर अल्लाह ताला ने इसमें जो हमको बताया है ये हाँ, इसकी तफसीर को देख लेते हैं पहले कि इन कंट्रास्ट टू एवर बर्निंग फायर अल्लाह ताला ने पिछली दफा क्या बताया था कि वो जिल्द अगर उतार अल्लाह ताला उतारेंगे वो जल जाएंगे अल्लाह ताला उनको उतारेंगे और उनके बदले नई जिल्द डाल देंगे हमेशा हमेशा का अजाब ये उसके कॉन्ट्रास्ट में वो जो एवर बर्निंग फायर था विद एवर बर्निंग स्किन था हाई 56 में 57 में एक फुल और परफेक्ट पिक्चर बता रहे हैं रिवॉर्ड का किन लोगों का मिलेगा जो ईमान लाते हैं और अमल, अमल कहते हैं अच्छे मतलब सिर्फ ईमान नहीं लाए उस ईमान को ट्रांसलेट भी किया अपने, आमाल में, अपने, अमाल में, अपने अखलाक में तो अल्लाह ताला कहते हैं उनको क्या मिलेगा उनको गार्डन जन्नाथ मिलेंगी जिसके नीचे पानी बहरी होगी हम देखें हम कभी रिजॉर्ट पे जाते हैं तो हम यही देखते हैं ओ यहाँ पर पानी है कितना अच्छा लगता है वो दरियाए वो नहरें जब बह रही होती हैं वाटरफॉल देखने जाते हैं पता नहीं वहां क्या क्या होगा कैसा वाटरफॉल ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी अल्लाह ताला डिस्क्राइब करते हैं जो जन्नत का नक्शा वो तो हमारी हमारी ह्यूमन माइंड जो है उसको कॉन्टेप्लेट भी नहीं कर सकती इट इज़ बियॉन्ड आर कॉन्टेप्लेशन वी कैन नॉट परसीव एग्जैक्टली कि जन्नत में क्या होगा लेकिन इतना पता है कि जब अल्लाह वादा कर रहे हैं उस वादे का क्या होगा देखें उस वादे की कोई अलग कोई मिसाल नहीं उस वादे का कोई जोड़ नहीं है तो उसमें हमें ताला मैं और आप हम सब इनशा उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे और अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या है वहाँ पर हम सेटल्ड होंगे वहाँ से हमको छोड़ना नहीं होगा हमेशा हमेशा रहना खालिदी फिया अबदा हमेशा रहेंगे और क्या क्या कंटिन्यूटी होगी जन्नत से निकलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा दोजख से तो निकलेंगे जो लोग दोजख में होंगे उनको अपनी सजा पा लेंगे वो फिर जन्नत में चले जाएंगे अनलेस के उनके लिए लिखा हुआ है कि वह हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे और जन्नत में दाखिल होना उनके लिए हराम है तो बाकी अल्लाह ताला यही बता रहे हैं री एम्फसाइज़ कर रहे हैं अल्लाह ताला कि हमें क्या होगा वहां पर एक टोटल क्या इटर्नल ब्लिस होगी आप समझें टोटल हैप्पीनेस होगी एक ऐसी चीज होगी जिसको हम ना छोड़ना चाहते होंगे ना छोड़ेंगे हमारे पास स्पाउसेस भी प्योर होंगे कूल शेड भी होगा हम जाते भी कहीं पिकनिक पे तो हम दरख्त ढूंढते हैं या पार्क में भी जाते हैं तो हम कहते हैं किसी पानी के पास हो दर के नीचे हो वो सब कुछ होगा लेकिन वो इससे कहीं ज़्यादा कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगा और जब ये सब चीज़ें होंगी तो हमें फ्रेश एयर भी मिलेगी फ्रेश वाटर भी होगा फ्रेशनेस भी होगी हम भी खुद खुशी खुश होंगे इनशाला अबू हुरैरा रद्दी अल्लाह ताला अनु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की है सही मुस्लिम में कि जन्नत में एक दरख्त है इज अ ट्री अंडर द शैडो ऑफ विच एक दरख्त है जिसके शैडो के नीचे एक राइडर राइडर चलने वाला नहीं घोड़ा सवार होगा या किस चीज पे सवार होगा पता नहीं लेकिन वो राइडर है वो ही विल बी एबल टू ट्रैवल फॉर अ इयर्स Imagine कर सकते हैं आप अब आप सोचें के हमें कुछ भी मिल जाए। जन्नत के हमें कोई भी नजारा मिल जाए इट्स नॉट द सेम क्या कोई भी ऐसा से मुस्लिम में तो देखिये दो कंट्रास्टिंग डेस्टिनी नजर आ रहे हैं एक हमारा इनशाला होगा एक जो कुफार है उनका होगा एक इटर्नल हमेशा हमेशा की पनिशमेंट है

ياعزوكم به إن الله كأنه سميع الله क्या कह रहा है इन अल्लाह बेशक अल्लाह या मुरकुम आपको हुक्म देता है अल्लाह कमांडियो अल्लाह ऑर्डर्स यू अंतु अदुल अमानती इला अहलिया के आप <coughs> कि जिनके जो अमानत है <coughs> जो ट्रस्ट है जो भी अमानत है किसी और कहने के जो कोई भी अमानत है कोई भी ट्रस्ट है आप उनके हवाले करो अहलिहा जो उसके अहल है उर्दू में कहेंगे जो अहल है जो हकदार है ट्रस्ट और द रू दो बेशक अल्लाह तुक्म देता है आपको कि आप अदा कर दें अमानत उनके हकदारों को अदा अद्दू है ना अदा यू अद्दी ताद्दी अतुन वैज्ञाह कम तुम बिना नास अंतह कुम्बिल आदर and when you वैज्ञाह and when हकम तुम you judge बिना नास between people हकम तुम हकम यहकुम हुक्मन जब आप फैसला करें जब आप जज करें बैन अनास बिटवीन द पीपल अन तहकुम दैट यू जज बिल अदल विद फेयरनेस विद जस्टिस व्हेन यू जज बिटवीन द पीपल यू जज विद फेयरनेस एंड विद जस्टिस देखती हूँ अगर नहीं कर सकी तो रुक जाऊंगी और जब आप फैसला करें लोगों के दरमियान तो आप फैसला करें अदल से इंसाफ के साथ

आजा या बेशक अल्लाह बेहतरीन नसीहत करता है इसकी इसकी आपको नसीहत करता है, या आपको नसीहत करता है बेशक अल्लाह ताला आपको नसीहत करता है इसकी इन अल्लाह काना समयम बसीरा बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला भी है खूब देखने वाला भी है बसीरा देखने इन अल्लाह या अंतु इला अब ये थोड़ा सा इसकी भी थोड़ी लंबी तफसीर होगी अल्लाह ताला जो हमको कमांड कर रहे हैं कि जिसके जो राइट्स हैं जिसके जो ट्रस्ट हैं उन लोगों के हवाले कर दो जो उनको डिजर्व करते हैं ये शरिया लॉ की जो स्पिरिट है दिस इज द इस्लामिकरिया लॉ सिर्फ आपस में मुसलमानों के साथ ना डिस्कस करें बल्कि हमें इसको अंडरस्टैंड करना है ताकि हम नॉन मुस्लिम को भी ये बात बता सकें कि शरिया लॉ शरिया लो जो कहते हैं ओ शरिया लॉ शरिया लॉ वो समझते हैं सिर्फ हाथ काटना है औरतों को पत्थर से क्या होता है संसार करना है तो वो लोग यही समझते हैं कि बस हाथ काटना है और बहुत बार बैरिक है और ये सब शरिया लॉ को वो यही समझते हैं समझते नहीं है दे नो इट वो जान के करते हैं तो इसलिए हम हमें ये देखना है कि हमारी जो रिलीजन है हमारे जो दीन है उसका एसेंस क्या है उसकी टीचिंग्स क्या इन टर्म्स ऑफ लॉ अल्लाह ते कह रहे हैं कि जो राइट्स हैं जो ट्रस्ट हैं जो डिजर्व करते हैं उनको दो ये कौन से राइट्स हैं सबसे पहले तो अल्लाह के अपने राइट्स हैं हुकूक अल्लाह और नंबर टू क्या हकूक़ लिबात तो अल्लाह के हुकूक को अदा करो और लोगों के हुकूक को अदा करो और सबसे उसमें बात यह कि अल्लाह के हुकूक को आप कैसे अदा करेंगे हम ये रिकोगनाइज करेंगे कि तौहीद पे बिलीविंग सिर्फ अल्लाह अलोन है और वर्शिपिंग में भी अल्लाह अलोन है ये हमें तौहीद की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं हम तीन में पढ़ते हैं एंड एवरीथिंग लेकिन वही बेसिक बे, सिर्फ ये है बेसिकली के अल्लाह पे ईमान लाओ सिर्फ एक अल्लाह पे उसी की इबादत करो उसी को उसी की वर्शिप करो उसी को सर्व करो ये है बेस बेसिकली तो को दो लाइनों में कहना और अगर हम खूब हार्ड उसके लिए मेहनत करते हैं जिद्दोजहद करते हैं और हम अपने एक्शन से अपनी फीलिंग से अपने अखलाक से अपने अमाल को अगर हम इसी तरह से गुजारते हैं अपनी जिंदगी को तो हम जैसे नबी के था कि वो चलते फिरते कुरान थे कुरान इन एक्शन थे तो इसीलिए हम भी लोगों को इस्लाम की तरफ जब बुलाएं तो हम अपने अमाल से अपने अखलाक से अपने ईमान से हर चीज़ से बुलाएं लेकिन साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी कर दें कि इस्लामिक वैल्यूज़ क्या है इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या है एक और ट्रस्ट जो हमारी तो अल्लाह की इबादत है एक और अल्लाह के ट्रस्ट अल्लाह अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है लेकिन दूसरी ट्रस्ट क्या है डीलिंग्स विद पीपल हुआ इसमें जब हम किसी के साथ कुछ भी ट्रांजेक्शन करें कोई भी ट्रांजेक्शन करें चाहे वो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करें चाहे वह हम पर्सनल कुछ करें चाहे शादी करें हर चीज में ऑनेस्टी होनी चाहिए ऑनेस्टी इन ट्रांजेक्शन और फिर उसके बाद ऑनेस्ट काउंसलिंग होनी चाहिए वेन वी गिव एडवाइस टू समबडी टू चाहे वो रूलर हो चाहे वो रूल्ड हो दोनों को हमने ऑनस्ट सिंसियर अदीन और नसीहा वो हमने बसियर एडवाइस दे मैं नंबर तीन क्या है टेकिंग गुड केयर ऑफ आवर फैमिली एंड आवर सोसाइटी और नंबर चार क्या है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी कम्युनिटी में भी हमारा रोल जो है हमेशा मैं बताती आई हूँ कम्युनिटी में भी हमारा रोल हमेशा एक्टिव होना चाहिए फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग यानी कि आप किसी को हायर कर रहे हैं आप उसको हायर करें कि जो डिजर्व करता है ये नहीं कि आप कहें नहीं नहीं फलाने सिफारिश की है मैं इसको हायर कर लेता हूँ वो फला फला का रिश्तेदार है उसको हायर कर लेता हूँ नहीं हायर समबडी हु अब जो डिजर्विंग को आप नहीं देंगे उसका हक तो आपने किसको दे दिया किसी को जो हकदार नहीं था उसको दे दिया गुना आपको मिलेगा गिव मनी टू समबडी हु जो डिजर्व करता है उसको दें उसमें भी आप ये मत देखें कि ये उसमें भी आप देखें कि कौन वाकई डिजर्व करता है अपॉर्चुनिटी आपने देना है तो उसको दें खासकर अब एजुकेशन की बात हो रही है किसी चीज की भी तो आप उसको दें जो डिजर्व करता है ये नहीं कि बस हमने तो अपने ही वालों को देना है ठीक है रिश्तेदारों का हक पहले है लेकिन बास चीजों में यह होता है कि अगर दूसरा बहुत ज्यादा गरीब है तो आप उसको भी दें इसको भी दें थोड़ा सा और दे दें फिर अगर कोई किसी जगह पे कोई अथॉरिटी में किसी को करना है वो भी आप उस बंदे को दें कि जो उस अथॉरिटी के लायक है अब यहाँ इलेक्शन आ रहे हैं इलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं इलेक्शन में ये नहीं करना है कि भाई मैं तो मुझे ये पसंद है मैं इसको दे दूँ या ये गुड लुकिंग है मैं इसको दे दूँ नहीं आपने इसलिए देना है कि वो डिजर्व करता है कि नहीं करता है क्या इस पोस्ट पर यही मोस्ट डिजर्विंग है तो इसी तरह जब शेयर्स ऑफ इनहेरिटेंस होती है आपने पढ़ा पूरे आपने पढ़ लिया शेयर्स ऑफ इनहेरिटेंस उसको भी फेयरनेस से देना है ये नहीं करना है कि बस आपकी बेटियां तो आप बेटियों को बेटों को जो भी है बस जो भी हमने पूरा पढ़ा हुआ है इसी तरह मैंने बताया मैरिज के अंदर हस्बैंड वाइफ के राइट्स की टेक केयर करे और वाइफ जो है वो हस्बैंड की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे तो स्मॉलेस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल पे आइडिया ये है कि पुट पीपल वेयर दे बिलोंग टू गिफ्ट टू पीपल हु और फिर अल्लाह ताला कहते हैं हक़म तुम बिनना बिल अदल अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आप सब जब फैसला करें किसी के भी दरमियान तो आप अदल से करें इंसाफ से करें अगर राइट पोजीशन पे राइट लोग नहीं होंगे तो वो फैसले भी गलत करेंगे वो अपनी कनेक्शन यूज करेंगे करप्शन करेंगे डिसीजन गलत करेंगे जस्टिस से नहीं करेंगे फेयरनेस से नहीं करेंगे इसलिए उन लोगों को अथॉरिटी दो शुरू से अथॉरिटी उन लोगों को दो जो क्वालिफाइड है जो ऑनेस्ट है और जो जज भी करें तो वो किस से करें वो ऑनेस्टी से करें और फेयरनेस से करें वो डिसीजन बगैर किसी बायस के और बगैर किसी प्रेफरेंस के करें और याद रखें कि उनको मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है एक क्राइम अगर कमिट किया है हम यहाँ रहते हैं हमारे यहाँ ज्यादा नॉन मुस्लिम है अगर वो कोई क्राइम कर रहे हैं और मुसलमान कोई क्राइम कर रहे हैं तो हमने ये नहीं करना नहीं नहीं ये बेचारा मुसलमान है या ये बेचारी औरत है

ये ये सब नहीं करना है अल्लाह ताला कह रहा है इन अल्लाह ने अम्मा या इज़ोकुम दी अल्लाह ताला हमें एक एडवाइस दे रहा है विच इज एन ऑसम एडवाइस एक्सलेंट एडवाइस जो अल्लाह हमको दे रहे हैं और अल्लाह ताला कह रहा है इन अल्लाह का ना समयम बसीरा अल्लाह ताला लफ्ज़ क्या या इज़ोकुम कर रहे हैं नसीहत कर रहे हैं उसका मतलब क्या अल्लाह का कमांड ही हो गया ना देर नो डाउट अल्लाह जो है वो सब कुछ सुनते भी हैं सब कुछ देखते हैं दे, देखते भी हैं उनको सब कुछ मालूम है ही इज इन फुल व्यू ऑफ एवरी हमें लोगों की रियलिटी का नहीं पता होता है हम लोगों को गलत गलत पोजिशन में डाल भी देते हैं वेदर दे राइटफुली डिजर्व और नॉट दैट पोजिशन लेकिन अल्लाह को सब मालूम है तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कभी भी हंड्रेड परसेंट नहीं बोल सकेंगे कि फलां सही है फलां गलत है कोशिश करनी चाहिए कि मोस्ट डिजर्विंग पीपल को एट द टू द बेस्ट ऑफ अर एबिलिटी हम चुने चुनने के बारे में है और अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं हमें कि जो चीज़ें बनी इसराइल को जिन्होंने एफ्लिक्ट किया था हम मुसलमान वो ही गलत ना करें उनकी सबसे बड़ी एक मिस्टेक थी वन ऑफ द फंडामेंटल मिस्टेक्स उनकी ये थी कि वह उन्होंने अपने जो रिलीजन को है रिलीजन के जितनी भी पावर है वो उन्होंने अपने रिलीजियस पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो सब उन्होंने इनकॉम्पिटेंट लोगों को दे दिया था इमोरल डिसऑनेस्ट और करप्ट लोगों को दे दिया था इसकी वजह से किया हुआ पूरी नेशन में करप्शन फैल गई मुस्लिम्स को अल्लाह ताला यही हैं मुझे और आपको यही कह रहे हैं कि हम इस रिस्पांसिबिलिटी को उन लोगों को दें जो वाकई काबिल है <coughs> दूसरी जो वीकनेस जो इसराइली की ये थी कि उन्होंने अपनी सेंस ऑफ जस्टिस को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया था या तो वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हर चीज़ के लिए वो अपनी ऑनेस्टी के लिए अपनी गुड फेथ को अपनी नेशनल इंटरेस्ट को भी सैक्रीफाइस सिर्फ अपने अपने इकतेदार के लिए अपनी लीडरशिप के लिए वो सब कुछ कर रहे थे हमें ये बहुत अच्छी तरह सोचना है कि हमने ये नहीं करना है मुस्लिम जो हैं इन द टाइम ऑफ द प्रॉफिट उनके पास सल्लाम उनको कितनी ज़्यादा उन लोगों की तरफ से इनजस्टिस हुई थी एक तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फॉलोअर्स थे जिनकी लाइफ्स इतनी प्योर थी और एक तरफ से थे जो के जूस थे जो के खुद विटनेसेस थे लेकिन वो किस तरह से मामला चला रहे थे तो वो लोग और ऐसे भी लोग थे कि जो लोग पहले आइडल्स को वर्शिप करते थे मुशरिकीन थे अपनी और लड़कियों को जिंदा गाड़ डालते थे अपने स्टेप मदर्स के साथ शादी करते थे आपने देखा है सब कुछ हम पढ़ चुके हैं और फिर वो जब काबे का तवाफ़ करते थे तो वो नंगे होके करते थे सीटियां बजाते थे तालियां बजाते थे लेकिन जब इस्लाम आ गया तो उन्होंने फौरन उन सब चीज़ों को छोड़ दिया उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और डिक्लेअर कर दिया और उन्होंने कह दिया कि हम जो हैं हम मुसलमान हो गए और हम वसल्लम के हुए दीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यही बात है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कह रहे हैं कि सिमिलर इनजस्टिस जो है मुसलमान जो है वो ना करें जो उस वक्त उनके साथ हो रहे थे रादर हमें भी डिक्लेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के सामने अपने एनिमीज के सामने हर फोरम पे कि हम जो है जो अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं वो सही है हम डिक्लेयर करें चाहे हमारे सामने कोई भी हो कि हम लोगों के लिए जजमेंट भी जो करेंगे तो हम एक्विटी से करने चाहिए इक्वालिटी से करने चाहिए जस्टिस से और फ्रेंडनेस से करने चाहिए हम किसी भी तरह करप्ट सिस्टम को ना एक्सेप्ट करेंगे ना इंप्लीमेंट करेंगे चले मेरी अभी डॉक्टर के साथ मीटिंग भी है दुआ करें कि अल्लाह करे मेरी मीटिंग अच्छी हो जाए और कल मेरा एक छोटा सा प्रोसीजर है प्रोसीजर ना कह लें बस एक इंट्रावीनस कुछ मुझे वो दे रहे हैं डॉक्टर तो एक दफ़ा मेरा इंट्रावीनस हुआ था तो मुझे बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया था बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया था तो बस दुआ करें इंशाल्लाह कल मेरा वो भी अच्छा हो जाए इंशाल्लाह शाह थर्सडे को मिलते हैं अगर कल मेरी तबीयत कुछ खराब रही या कुछ हुआ तो आई लेट यू नो कि फिर थर्सडे को क्लास होगी कि नहीं होगी मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं कभी भी नागा ना करूं लेकिन अगर मजबूरी होगी तो फिर शायद करना पड़ जाए दुआ में याद रखे प्लीज़ सुबह नकलह माँ इल्ला अंत दिख व श्लास्तव नही

वीडियो जो है क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो देर से डालूंगी क्योंकि मुझे अभी पहुंचना है ठीक है इनशाला वापस आके